वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम इसमें दो पार्ट में पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये बताते हैं आपको। हम पिछले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम व्हाट इज़ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन में उसके बाद फिर हम इसके अंदर हमने पढ़ा था एलोए क्या होता है, एलोए के वाला प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज कंसंट, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। एंड उसके बाद सेकंड सेकंड पार्ट में हम पढ़ चुके हैं सस्पेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, व्हाट आर द कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। फिर हमने ये टॉर्च की एक्टिविटी भी कराई उसमें, जिसमें एक्सप्लेन किया इसको। फिर हमने उसके बाद पढ़ा है टिंडल इफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, टाइप्स ऑफ कोलाइड एंड हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट मिक्सचर में हम फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग पढ़ चुके हैं और हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था। आज जो थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इवापोरेशन, तो इसको हम फिर से इस टॉपिक को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके इनकी पहले दो पार्ट देख सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और आप देख रहे हैं S19 एजुकेटर। वी कैन सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर into their constituent by means of physical method like, हमने इसमें क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन में आपको बताया था कि फ़िल्टर पेपर के जरिए हम फिल्ट्रेट कर पाते हैं, है ना, सैंड वाटर है अगर आप मिक्स कर देते हो उसको आप फिल्टर से आप फिल्ट्रेट कर पाओगे। हैंड पिकिंग आपको बताया था ये मोस्टली विलेज एरिया में ज़्यादातर वुमेंस क्या करती हैं कि आपका जो भी ग्रेन्स के अंदर जो भी आपका अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, लाइक वीट हो या आपका राइस हो। सीविंग, सीविंग में फ्लोर को हम सीविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी भूसा वगैरह होता है वो सेपरेट कर पाते हैं। आगे हमारा आता था कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड From each other, several others technique. अब हम कुछ अभी तो हमने उसमें मेथड पढ़े थे, अब कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे हैं किस किस टेक्निक्स से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट टेक्निक है इवापोरेशन, सेकेंड सेंट्रीफिकेशन, थर्ड सब्लिमेशन, फोर्थ क्रोमेटोग्राफी, फिफ्थ डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले इवापोरेशन, इवापोरेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन क्या होता है, तो सिर्फ उसी का हम एक आज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, इवापोरेशन में हम किस तरीके से दो अलग सब्सटेंस, अगर दो सब्सटेंस है जो एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है, इन दोनों सब्सटेंस अगर मिक्स है तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो आपके सामने एक नीचे एक्टिविटी दिखाई गई है कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है हमारे पास और हमें एक हमने इवापोरेटिंग डिस्क लिया, नीचे बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये स्टैंड है, हमने बर्नर को जलाया मतलब कैच फायर किया, देन मिक्सचर। अब उसके बाद वेपर फॉर्म में क्या होगा, आपको वाटर जो है वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और सोल्ट आपका, आप ये देखो सोल्ट एंड वाटर नीचे ये मिक्सर है तो ये बाद में बच जाएगा आपका, ठीक है, इवापोरेशन डिस्क से ही इवापोरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस से हम सॉल्ट वगैरह को प्रिपेयर करते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं इवापोरेशन मेथड से कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं या कौन कौन से एप्लीकेशंस है। तो पहली एप्लीकेशन सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, इंक में से कलर कंपोनेंट को निकालना। दूसरा है सॉल्ट फ्रॉम वाटर, वाटर से सॉल्ट निकाला। तीसरा है शुगर फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर। ओके, इसमें मेथड में होता क्या है कि मिक्स, जैसे कि अब इसकी बात करते हैं, मिक्स सम इंक वाटर एंड हीट, अगर हम वाटर और इंक को मतलब मिक्स कर देते हैं और उसको हीट देते हैं, आफ्टर सम टाइम
द वाटर विल बी इवापोरेट लीविंग बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंसेस. क्या होगा, वाटर जो है इवापोरेट होके निकल जाएगा और जो बच जाएगा वो आपका, उसके पश्चात जो बचेगा वो कलर सब्सटेंस होगा. सेंट्रीफिकेशन की बात करते हैं तो सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स. सेंट्रीफिकेशन में क्या होता है, डेंस पार्टिकल में से हम लाइटर पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर पाते हैं. इसके एप्लीकेशंस में क्या है, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम. आपने देखा होगा दूध भी लोते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम मिल्क में से क्रीम को निकालते हैं. सेपरेटिंग बटर फ्रॉम द क्रीम और सेपरेटिंग बटर, बटर को अलग करते हैं ठीक है क्रीम में से. स्क्वीजिंग आउट बटर में से, सॉरी क्रीम अलग करते हैं. स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, और जो आपके गीले कपड़े होते हैं उसमें से हम वाटर को स्क्वीज करके इस तरीके से निकालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है ठीक है. अब मेथड क्या है, मेथड इसका बताते हैं भाई. मिल्क इज पुट इन टू द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन और मिल्क चमर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, तो उसके अंदर आप डाल दो. द क्रीम दस सेपरेट फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से वो क्रीम सेपरेट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हाई डेंसिटी वो नीचे और लोअर डेंसिटी वाली मटेरियल ऊपर आ जाएगी. तीसरा आता है यूजिंग अ सेपरेट फनल, यूजिंग अ सेपरेट फनल, फनल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल का मतलब है कि जो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, दोनों अलग अपीयर होते रहते हैं. अब ये देख सकते हैं आपके सामने एक नीचे बीकर है, बीकर के ऊपर फ्लास्क के अंदर नीचे टैप करके हमने कॉर्क लगा रखा है और इसके अंदर हमने मिक्स आपको वो डाला है, क्या बोलते हैं, दो लिक्विड डाला है जिसमें से हाई, आपने ये देख पा रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर है येलो कलर, ऑरेंज वाला जो है लो डेंसिटी वाला लिक्विड है जबकि हाई डेंसिटी वाला ये है. अब ड्रॉप से हम टिप टिप करके क्या करेंगे, हाई डेंसिटी वाले लिक्विड को नीचे डाल देंगे बीकर के अंदर और फ्लास्क के अंदर बच जाएगा आपका ये. ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसमें हमें मोशन नहीं बिल्कुल स्टेबल करना पड़ता है. एप्लीकेशन क्या है इसका, ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल वगैरह को निकालना, आयरन एंड आयरन ओर को सेपरेट करना. मेथड द इमिसिबल लिक्विड आर अलाउड टू सेटल इन द फनल, फनल के अंदर हम इसको सेटल होने देते हैं. दे सून फ्रॉम सेपरेट लेयर ड्यू टू वेरिंग डेंसिटी, इनके डेंसिटी अलग होने की वजह से ये अलग अलग दिखते हैं. यू कैन सी इन दिस प्रोसेस, आप इसमें देख सकते हैं दो अलग अलग डेंसिटी की वजह से दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट द फनल एंड एज सून एज कम्प्लीटली पॉर्ड आउट द स्टॉप कॉक ट्विस्ट क्लोज नियर बाय सेपरेटिंग टू द लिक्विड फ्रॉम ईच अदर. तो हमने इसको कॉर्क को हटाने के बाद धीरे धीरे डिप करके उसमें हम कर सकते हैं ओके. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन, अगला प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है, टू सेपरेट सबमाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन सबमाइल कंपोनेंट, यानी कि जो सबमाइल है, सबमाइल जो ऊध्रपातन होने वाले सब्सटेंस हैं उनको ऊध्रपातन वाले सब्सटेंस से अलग करना. फॉर एग्जांपल के लिए अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये, तो हमने क्या इसके अंदर देखो चाइना डिश है, चाइना डिश रखा है और उसके ऊपर एक निकल फ्लास्क लगाया गया, कवर कर दिया इसको. अब हमने बर्नर से हीट दी, हीट देने के बाद हमने क्या देखा कि अमोनियम क्लोराइड जो वेपर बन के ऊपर उड़ रहा है और नीचे जो बच जाएगा वो सॉल्ट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस से हम इसको निकाल सकते हैं ओके. इसका एप्लीकेशन क्या है, अमोनियम क्लोराइड हो या कपूर हो या नेफ्थलीन हो, इसके साथ सॉल्ट हो तो इनको अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हो या कपूर सॉल्ट हो या नेफ्थलीन सॉल्ट हो तो इनको सेपरेट कर सकते हैं हम सॉल्ट को ठीक है. मेथड क्या है, हीट इज़ अ मिक्स इन ए एन इन्वर्टेड फनल सो द सबमिलेबल कंपोनेंट सब्लिमाइज इन द एयर सेटल ओवर द वॉल्स ऑफ द फनल एंड नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट ऑन अदर हैंड इज लेफ्ट बिहाइंड. तो आपको देखो ये मैंने प्रोसेस में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे बच जाएगा और बाकी वो जो है वो एवोपोरेट होके सेपरेट हो जाएगा. अगला आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार ये पूछ लेता है ये मेथड कौन सा है, इस मेथड से हम क्या करते हैं. इसमें टू सेपरेट सॉल्यूट डेट कैन डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, इस सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है तो उसको कैसे निकालते हैं. तो आप यहाँ देखते हैं आपके सामने मिक्स इंक है, इसके अंदर ये डाला गया मिक्स इंक, दो कलर दिखा रखे हैं ना, तो अब इसको हमें सेपरेट करना है. तो हम फिल्टर पेपर लेते हैं, इसके अंदर डिप कर देते हैं, डिप करने के बाद क्या होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है उस कलर को, इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है. तो इस तरीके से सेपरेट किया जाता है. एप्लीकेशन क्या है, सेपरेशन कलर कंपोनेंट ऑफ डाई, डाई वगैरह के कलर को अलग करने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर से ड्रग्स को निकालने के लिए.
इसके लिए क्या होता है, टेक अ फिल्टर पेपर, हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं या ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं उसको, और प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक, इंक ड्रॉप इसके अंदर प्लेस किया जाता है एट द रियर एंड, इसके बिल्कुल किनारे, डिप द एंड इन द वाटर, इसके वो बिल्कुल किनारे हम उसको डिप करते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखा सा दिखा रखा है, ये डिप करा हमने इसके कॉर्नर पे। सिंस इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू मोर कलर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंक विच सोलेबल इन वाटर मिक्स इन टू देन सेपरेट क्विकली फ्रॉम द अदर कंपोनेंट आर लेस सोलेबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर कम सोलेबल है उसको हम इस तरीके से सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो ये मेथड क्रोमेटोग्राफी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा होता है कि ड्रग टेस्ट करना होता है ब्लड के अंदर, ड्रग कौन लेता है नहीं लेता, तो इसी क्रोमेटोग्राफी मेथड से ही किया जाता है। आगे हमारा आता है सिक्स्थ मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन टू सेपरेबल, वहाँ तो पीछे हमने पढ़ा था इमिसिबल, क्यों घुल नहीं रहते, लेकिन अब जो दो ऐसे हैं जो आपस में घुल जाते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मस्ट बी सुफिशियंट डिफरेंस, अब ये वो दो घुलने वाले आपस में पर उनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, अगर सेम होगा तो फिर अगर हम बॉइल करेंगे तो दोनों इवापोरेट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या मेन होता क्या है, ये देखो बनसन बर्नर है, हमने मिक्स रखा इसके अंदर, और हम क्या कर दो मटेरियल मिक्स है, हम एक टेम्परेचर पे इसको बर्न कर रहे हैं, जब हम इसको बर्न करेंगे प्रीफिक्स टेम्परेचर पे, तो उसमें हमारा ये होगा कि जो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी बॉयल होगा और इस कूलिंग नट के जरिए बाहर आके डेंस होके ठंडा होके इधर इकट्ठा हो जाएगा, और जो सॉल्ट है उसका ज़्यादा होता है वो इसी में बच जाएगा। तो हम इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, पर इनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन में क्या एसीटोन एंड वाटर को अलग करने के लिए किया जाता है ये, द मेथड, मेथड क्या है, द मिक्सचर हीट इज डिस्टिलेशन एपरेटस, ये डिस्टिलेशन एपरेटस था ये पूरा, इसको हम डिस्टिलेशन एपरेटस कहते हैं, जो आपके सामने था ये बर्नर, बंसर, वाटर बीकर, फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, कनेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है पहले वाले का, और कंडेंस गेट द सेपरेट फ्रॉम द वन टू अदर हायर बॉइलिंग पॉइंट, जो लोअर होगा वो जल्दी वेपरेट हो जाएगा, जो हायर होगा वो नहीं होगा। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि व्हेन मिसिबल लिक्विड हैव सेटिस्फैक्ट्री डिफरेंस इन पहले डिफरेंस होना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। और फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ लेस देन 25 के, यानी कि कम से कम भी तो 25 के इज़ द केल्विन, एक टाइम यूनिट है या टेम्परेचर का, तो इतने का डिफरेंस होना ही चाहिए। ओके, किसी को डाउट? आगे हमारा आता है सेपरेटिंग गैस फ्रॉम द एयर, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लिक्विड कर रहे थे या वैसे सॉलिड को कर रहे थे, लेकिन अब आता है सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, उनका क्या क्या मेथड होता है। तो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिनके बीच में 25 K का डिफरेंस होना चाहिए, वो यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड ए, सबसे पहला मेथड हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कंप्रेस एंड कूलिंग एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर, द एयर टर्न टू द लिक्विड एयर। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं और कूलिंग करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें टेम्परेचर तो बढ़ा देंगे पर प्रेशर को कम कर देंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर को कम करेंगे तो एयर जो है आपका लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा फिर आगे देखो, लिक्विड एयर इज़ वार्म, क्योंकि आपको पता है जब लिक्विड एयर होगा, लिक्विड एयर हमारे पास है तो वो थोड़ा वार्म होगा, कैसा होगा, वार्म होगा, वार्म स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस, तो वो धीरे धीरे स्लोली वार्म होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक है। द सेवरल कंपोनेंट ऑफ एयर गेट सेपरेटेड एंड कलेक्टेड एट वेरियस हाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट को ना अलग अलग सेपरेट किया जाता है, इकट्ठा करके अलग अलग वेरियस हाइट पे इनको रखा जाता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना, उसी के हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा आता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में तो आ ही सकता है। ये प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, मेथड यूज्ड क्रिस्टलाइजेशन, इन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जो होता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्योर सॉलिड उससे ऑब्टेन कर लेते हैं उसके सॉल्यूशन से। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन का पहला ये दिखाया गया कि स्टेप वन में आपके सामने सॉल्वेड है या इम्प्योर सॉलिड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो
जो अनडिजॉल्व इसको निकाल लेंगे, इसका लिक्विड लेंगे, लिक्विड को फिर से वापर हम वेपर के फॉर्म में करेंगे। वेपरिंग करने के बाद फिर बाद में इसको फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हॉट सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू कूल, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये सॉलिड जो है ये एज ए प्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कूल सॉल्यूशन इज़ पॉर इन टू द ऑब्टेंड द क्रिस्टल, जो भी ये हमारे पास क्रिस्टल ये मिला था क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को हमारे की शीट के बीच में फिल्टर करके निकाल लेंगे। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, पहला एप्लीकेशन है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। दूसरा है प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें मेथड कौन कौन से होंगे, द इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस आर फिल्टर आउट, पहले तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको सब्सटेंस को हमने फिल्टर आउट कर लिया। दूसरा हमने दूसरे नंबर पे दूसरे स्टेप में आपको बताया, इवापोरेट करके दिखा रखा है, पहले में हमने फिल्ट्रेट कर लिया, दूसरे में हमने इवापोरेट कर लिया, तीसरे में द सॉल्यूशन इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट एज, उसके बाद हमने सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर किया और ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद फोर्थ, आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड इज़ फॉर्म, जब हमने इसको ऐसे छोड़ दिया तो वो वापस यहाँ पे देख सकते हो स्टेप फोर में वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया। ओके, अब आगे हमारे मन में क्वेश्चन आता है, इज इवापोरेशन बेटर देन क्रिस्टल, क्या जो इवापोरेशन है वो क्रिस्टलाइजेशन से बढ़िया माना जाता है। तो आपके सवाल का जवाब देते हैं, सिंपल इवापोरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल इवापोरेशन जो मेथड होता है वो क्रिस्टलाइजेशन से बेहतर नहीं होता है, ये बेहतर नहीं होता है। बिकॉज क्यों, उसके दो रीज़न है, सम सॉलिड सब्सटेंसेस डिकम्पोज बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट, क्योंकि बहुत कुछ सब्सटेंसेस होते हैं सॉलिड के जो हीट के वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुगर गेट चेयर्ड ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग, जब हम चीनी को मतलब हीट देंगे तो वो चेयर्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाता है, पिघलने लग जाता है हीट की वजह से। दूसरा, इफ द फिल्टर सम इम्प्योरिटी रिमेन द सॉल्यूशन दे कैन कंटेमिनेटेड द सॉलिड, देयर वुड बी नॉट ऑब्टेंड अ प्योर सब्सटेंस, अगर मान लो हमने फिल्टर किया, फिल्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अगर उसके अंदर रह गई है तो कुछ कंटेमिनेटेड सॉलिड के अंदर रह जाएंगे जो कि एक प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बेहतर नहीं माना जाता है, दो रीजन। आगे आता है हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस की बात करते हैं पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस सच एज, अगर किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रिजिडिटी है, वो कठोर है, कलर है उसका, फ्लूडिटी है, तरल है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका मतलब क्वथनांक है, और मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, डेंसिटी यानी घनत्व है, हार्डनेस है, कठोरता है, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर ऑब्जर्व की जाती है तो इस टाइप की सारी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज रिज्ड कलर, फ्लूडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस विच कैन ऑब्जर्व आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब आता है फिजिकल चेंज क्या होता है, तो फिजिकल चेंज की बात करते हैं, व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस चेंज इट इज़ नॉन एज फिजिकल चेंज, कह रहे जब इनकी प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। When we convert a substance from one state to another state, such as solid into liquid or vice versa. When we convert a substance from one state to another, such as solid into a liquid or vice versa, it is also a physical change. As only the physical nature of substances change without affecting its chemical nature, कह रहे हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं, लाइक सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड में जब चेंज करते हैं तो इसके फिजिकल अपियरेंस में मतलब विदाउट इसके केमिकल नेचर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ आइस इंटू वाटर और वाटर इंटू आइस, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिमेन सेम, तो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की उस वो रिमेन सेम रहेगी, ठीक है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। तो केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो केमिकल नेचर होता है ना सब्सटेंस का, इज नॉन एज केमिकल प्रॉपर्टी, लाइक ऑर्डर एंड इट्स सॉरी
इट्स केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल से वो मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है। ओके फिजिकल चेंज का देखो आइस का दिखा रखा है, जबकि केमिकल चेंज में देखो ये वाटर के H2O मॉलिक्यूल्स तरीके से ये दिखा रखे ज्वाइंट कैसे हो रहे हैं। ओके अब आता है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ प्योर कौन कौन, मतलब कितने टाइप्स के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, तो प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। किसमें क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट जो है किसी केमिकल रिएक्शन में और ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। एलिमेंट फर्दर कैटेगराइज एज मेटल, एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया किस किसके अंदर, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड। ओके अब मेटल की बात करते हैं, तो मेटल के कुछ एग्जांपल्स है, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये दीज आर मेटल्स। मेटल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो मेटल को डिफाइन करती है, तो फर्स्ट है मेटल आर लस्चरस, शाइनी होनी चाहिए। मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मेटल हैव ए सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर, मेटल जो है सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर का हो सकता है। वी कैन हैमर मेटल फ्रॉम थिन सीट, हम उसको हैमर से मतलब मेटल को पीट पीट पर थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रोसेस नॉन एज द मेलेबिलिटी, दैट प्रोसेस नॉन एज द मेलेबिलिटी। वी कैन कन्वर्ट मेटल इंटू वायर, अगर मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मेथड नॉन एज डक्टिलिटी, क्या कहलाएगा वो, डक्टिलिटी। मेटल ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड वैन वैन इफ दे आर हिट, जब मेटल को हम उस पर हिट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस नॉन एज अ सोनारस, क्या कहलाता है, सोनारस। नॉन मेटल की बात करते हैं, कार्बन, नॉन मेटल में कौन कौन से होंगे, कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल आर नॉन सोनारस, नॉन लस्चर और डक्टाइल होते हैं। और नॉन मेटल हैव वेरिड कलर, ये अलग अलग कलर्स में होते हैं। ओके अब आता है मेटलोइड। मेटलोइड क्या है, जो मेटल पड़ा है और जो नॉन मेटल पड़ा है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होगी, यानी कि दोनों के कुछ कुछ रेशियो में वेरी करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटलोइड। सिलिकेनियम, जर्मेनियम और भी बहुत सारे हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल 9th में इतना ही। दे शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स, कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में जात कर, ठीक है। अच्छा वैसे देयर आर 100 एलिमेंट नॉन एस टू एस, हमारे पास 100 एलिमेंट है, क्योंकि 9th की बुक में 100 आपके सामने कंसिडर किया गया, बट 10th की बुक में 11 इन ओल्ड एनसीईआरटी में जो न्यू अभी पब्लिश है उसमें 11 18 एलिमेंट कंसिडर किया गया। 92 एलिमेंट आउट ऑफ ऑकर नेचुरली, 92 एलिमेंट जो है 9th के हिसाब से जो कहना चाहते हैं कि 92 जो है नेचुरली है, और जो 8 है वो मैन मेड है, ह्यूमन बींग ने रिसर्च करके लैब में प्रिपेयर किया है। मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड इन, ज़्यादातर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है। पांचवा है आपका पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, टोटल 11 ऐसे ही एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे उनको रखा जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एट रूम टेम्परेचर 2 एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जो दो हैं वो लिक्विड स्टेट में हैं। 11 जो है गैसेस स्टेट में था का, रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में, सॉरी एट रूम टेम्परेचर 11 एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और एट रूम टेम्परेचर अगर बात करें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड में, ब्रोमीन और मरकरी। एट टेम्परेचर स्लाइटली हायर देन रूम टेम्परेचर, ज़्यादा हो जाता है, द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे गैलियम एंड सीजियम। नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये दो या दो से अधिक सब्सटेंसों से मिलके बना होता है। दीज सब्सटेंसेस कंबाइन केमिकली विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में आपको आपस में कंबाइन होता है केमिकली प्रोसेस से। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट दैन दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स शामिल होते हैं उनसे ये वेरी करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट,
सल्फर सल्फेट वाटर इन सब का रेशो होता है, ठीक है। अब आता है एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। 3 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो मिक्सचर की बात करते हैं, द प्रॉपर रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल इट कंटेन। और कंपाउंड की बात करते हैं, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट द एलिमेंट, एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। और मिक्सचर की बात करते हैं, नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बट डेफिनेट कंपोजिशन होता है कंपाउंड में, और डेफिनेट रेशियो और फॉर्मूला होता है। मिक्सचर में कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल तरीके से हम कर सकते हैं उसको सेपरेट। कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल मीन्स, हम कंपाउंड को फिजिकल उससे सेपरेट नहीं कर सकते तरीके से। तो ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अभी हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हमने क्या क्या करना है, कि हमें पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने हैं, उसके बाद हम आएंगे आपके कुछ न्यूमेरिकल या डेरिवेशन डेफिनेशन, वो आपके जो डेरिवेशन है या फॉर्मूला है ये, और साथ में उसके बाद फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs करेंगे। तो अभी हम पहले सारे चैप्टर्स के जो थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट टर्म में जो आ रहे हैं चैप्टर्स उनको, तो आज मैंने ये थर्ड पार्ट में चैप्टर कंप्लीट किया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करता तो फिर फोर्थ वीडियो हो जाती, तो इस वजह से मैं चाहता था कि थर्ड वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे अस ऑन यूट्यूब S19 एजुकेटर। और अगर ये आपको लगता है कि वीडियो क्वालिटेटिव है, आपके समझ में आ रहा है, कंटेंट आपके लिए अच्छा है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। और अगर आप किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दें, ताकि हम और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करके आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे, बाय।